सिंपल माइक्रोस्कोप. एक सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपली एक सिंपल माइक्रोस्कोप ये सिंपली एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के अंदर मौजूद होता है. जब ये फोकल लेंथ के अंदर मौजूद है तो हमने पुराने केसेस में देखा भी है कि ये इससे इसका जो इमेज बनता है डेट इज वर्चुअल एंड ये उसी साइड बनता है जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है. उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स यही जो नॉर्मली लोग जो अखबार पढ़ रहे होते हैं लेंस रखते वो डेट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप जो कि सिंपली एक कॉन्वेक्स लेंस पर बना हुआ होता है. ठीक है. अच्छा लेट्स से आई हैव एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस. लेट्स से ये मेरी बेस लाइन है. ठीक है. और लेट्स से ये मेरी आंख है. और लेट्स से ये मेरा ऑब्जेक्ट है. ए बी. अब ये मेरी आंखें यहां से इसको देख रही हैं तो जो मेरी आंखों ने जो एंगल बनाया इस ऑब्जेक्ट को सिंपली देखने के लिए वो मेरा इमेज क्या कहलाएगा? डेट विल बी वो जो एंगल बनेगा वो अल्फा कहलाएगा. और ये डिस्टेंस From this point to this point, ये मेरा कहलाएगा डिस्टेंस डी जिसे मैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहता हूँ. ठीक है. अब लेट्स से मेरे लिए नॉर्मल आंखों से देखना पॉसिबल नहीं था. मैं इस ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ही देखना चाहता हूँ लेकिन इसे मैग्निफाइड देखना चाहता हूँ. तो वट आई विल डू नाउ जरा देखिएगा. ना अब अगर मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगाना चाहूँ तो इस ट्राइंगल में ये जो डिस्टेंस डी है ये अगर ये 90 डिग्री ऑफ कोर्स तो डिस्टेंस डी मेरा बेस है और डिस्टेंस ए बी मेरा क्या है परपेंडिकुलर है. तो मैं लिख सकता हूँ कि माय टेंजेंट अल्फा विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस जेड विल बी ए बी ओवर डी. नाउ इफ आई कैन से इफ अल्फा इज स्मॉल देन टेंजेंट अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू अल्फा then alpha is equal to AB over D. Now similarly अगर इस तरफ आकर बात की जाए तो यहां पर भी अगर मैं अपना राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम करूं दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट तो यहां पर मुझे टेंजेंट बीटा मिल सकता है. दैट विल बी टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू ए बी ओवर पी. एंड अगेन अगर मेरा बीटा इज वेरी स्मॉल देन आई कैन राइट इट सिंपली इक्वल टू बीटा. ना इफ अगर मैं यहाँ पर इन दोनों का रेशो निकालना चाहूँ डेट इज बीटा ओवर अल्फा. राइट. तो अगर मुझे बीटा ओवर अल्फा चाहिए होगा तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में मैं क्या निकालूंगा? मैं निकालूंगा मैग्निफिकेशन. सो माई मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा. माई बीटा इज ए बी over P and my alpha is AB over D. ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे. Finally I will be left with D over P. अब इसको अगर मजीद थोड़ा सा देखा जाए तो इसमें मजीद मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर सिंपली थिन लेंस फॉर्मूला लगा दूँ तो my thin lens formula will be 1 over F is equal to 1 over P plus 1 over Q. लेकिन जहन में रखने वाली बात क्या है कि मेरा Q बराबर है negative D के. तो I can write it as 1 over F is equal to 1 over P plus 1 over minus D. Alright. अच्छा अब अगर मैं इस पूरी साइड को D से multiply कर दूँ तो I will be left with D over F is equal to D over P minus 1. On further simplification, I will get it like 1 plus D over F is equals to D over P. और अभी हमने देखा कि हमारा D over P किसके बराबर है? हमारा D over P actually magnification के बराबर है. So I can simply write it as my magnification is 1 plus D over F. इसका मतलब अगेन हमारे पास वो इक्वेशन आ चुकी है जिसमें हमें इसकी मैग्निफिकेशन निकालने के लिए सिर्फ लेंस की फोकल लेंथ के बारे में पता होना चाहिए. इसके अलावा कोई दूसरा पैरामीटर ऐसा नहीं है जिसकी जरूरत है. ना हमें इमेज डिस्टेंस चाहिए ना हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए. हम इसकी मैग्निफिकेशन को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला m इक्वल 1 प्लस d ओवर f.